हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कन्या राशि की लव लाइफ अगस्त मंथ में कैसी जाने वाली है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स उनके लिए कैसी रहने वाली है, उनके रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए हम गाइडेंस मैसेजेस भी यहाँ देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग होती है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें। जितने मैसेज आपके साथ रेजोनेट करते हैं उनको ही लीजिए, उन्हें ही फॉलो करिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि, आपके पार्टनर की एनर्जी कैसे रहने वाली है अगस्त मंथ में? वुमन होल्डिंग अ कॉइन, सेवन चक्रा, रेस्ट एंड रिजुवेनेशन। ओके, आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है कन्या राशि अगस्त मंथ में? फिफ्थ चक्र, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, आपकी एनर्जी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कन्या राशि कि दोनों के बीच अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है, ब्लॉक अनब्लॉक सिस्टम हो सकता है, और हो सकता है कुछ ऐसी बातें आपने कह दी है जो जिससे कि आपके पार्टनर अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो आपकी एनर्जी जो है अगस्त मंथ में ऐसी रहने वाली है कि चीज़ें ठीक हो जाए, आप बैलेंस करना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि जो भी कह दिया, जो भी हो गया, जो भी झगड़ा हुआ वो खत्म हो जाए और सब ठीक हो जाए, बस आप एंड करना चाहेंगे सिचुएशन को। और आपके पार्टनर की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर सरेंडर करती हुई नजर आ रही है यूनिवर्स को, कि यूनिवर्स जो मेरे लिए बेस्ट हो ना वो हो जाए मेरे इस रिश्ते में। वो बहुत ही मतलब आराम से बैठे हुए हैं, बहुत शांत हैं, और कोई एक्शन वो नहीं लेना चाहते हैं अभी, और उन्होंने सब यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, उन्होंने सब छोड़ दिया है कि भगवान जो आपको ठीक लगे वो कर दो। अभी उन्होंने अपना सारा फोकस जो है अपने करियर पे लगा दिया है, उन्हें ऐसा है कि बस मैं अपने करियर पे फोकस करूं, खूब आगे बढ़ूं, लाइफ में सक्सेस को अचीव करूं और खूब पैसा कमाऊं, तो बस ये ही उनके थॉट्स मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो गए हैं, हो सकता है उन्हें दिल को बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है जिसकी वजह से उन्हें ये सभी रिश्ते बहुत बेईमानी से लगने लगे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है लाइफ में, हम खुद ही अपने आप को ठीक करते हैं, हम खुद ही अपने आप को गलत करते हैं। तो वो अभी बहुत ही ऐसे मोड़ पर हैं कि कोई एक्शन नहीं लेना है, अभी कोई बात नहीं करनी है, सही समय का इंतज़ार करना है, जब चीज़ें ठीक होनी होगी तब हो जाएगी, और बहुत ही शांति से वो बैठे हुए हैं। और आप चाहेंगे अगस्त मंथ में कि सब ठीक हो जाए बस जल्दी, आप हीलिंग भी करेंगे, मैनिफेस्ट भी करेंगे उनको, आप सब चीज़ें ठीक करने की कोशिश भी करेंगे, आप बात भी करना चाहेंगे कि मैं बात आगे होके, आप एक्शन भी लेना चाहेंगे, आप एक अपना कदम उठाएंगे कि ठीक है मैं अपना कदम उठाने को तैयार हूँ कि ये रिश्ता कैसे भी करके ठीक हो जाए। तो वैसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दोनों की लग रही है। नेक्स्ट हम कार्ड लेते हैं कन्या राशि की, कैसा रहने वाला है अगस्त महीना आपकी लव लाइफ के लिए। अगस्त मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है? उप्स, अगस्त मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है? सैड फाइव ऑफ कप्स, ओके, एट ऑफ पेंटकल्स, थ्री ऑफ कप्स, द स्टार, द मून। ओके, आपके पार्टनर आप तक पहुंचने की ना कोशिश करने वाले हैं अगस्त मंथ में, क्लियर मैं बोलूंगी यहां पर कि बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है आप ही ने कुछ ऐसा कहा है जो उनके दिल को बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है कि क्यों ऐसा हुआ, कुछ ऐसी बातें आप दोनों के बीच में हुई, कुछ झगड़ा ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं, वो बहुत दुखी हैं और वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, वो कुछ कहना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जो है जैसे चल रहा है वो नॉर्मल रहे और बाद में बात का सोच लेंगे।
तो अगर आपकी तरफ से किसी भी तरह का मैसेज जाता है, आप किसी भी तरह का एक्शन लेते हैं, तो यस, आपको ऐसा नहीं है कि आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, लेकिन वो एक सेटिस्फेक्शन वाला रिप्लाई नहीं मिलने वाला है। वो अपने इमोशंस आपको नहीं बताने वाले हैं, वो आपसे एक ही बार में मानने वाले नहीं हैं। हो सकता है आप किसी फ्रेंड के थ्रू भी उनके पास जाएं या उनके फ्रेंड के थ्रू भी आप मैसेज दिलवाएं, लेकिन फिर भी एक आपको एक उम्मीद मिल सकती है कि यस, ये एटलीस्ट मुझसे बात तो कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं या कर रही है, कोई भी हो सकता है, तो एक उम्मीद मिल सकती है, लेकिन एक वो प्यार, वो अफेक्शन, वो इंस्टेंट अगस्त में नहीं मिलने वाला है। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपके पार्टनर आपसे नहीं कहेंगे, वो कहना ही नहीं चाहेंगे, वो बोल ही नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी ने ब्लॉक कर दिया है, लाइक वो वाली सिचुएशन यहाँ पर नजर आ रही है। और कार्ड्स हम लेते हैं यहाँ पर कन्या राशि, कैसा रहने वाला है अगस्त मंथ आपकी लव लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए अगस्त मंथ कैसा जाने वाला है कन्या राशि का। साइलेंस, देखा मैंने कहा ना, वो चुप है, चुप्पी करके बैठे हैं कि अभी कुछ सोचना नहीं है। द क्रिएटर, न्यू विजन, ओके, गिल्ट एंड इनोसेंस, ओके। गाइस, बहुत मनाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, थोड़ा सा वो अपनी चुप्पी से बाहर आएंगे, और आप जब दिखाएंगे उन्हें, उन्हें कहेंगे कि जो भी आपने किया वो गलती से हो गया, या मतलब वॉट एवर, जैसे भी आप उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, जो भी आप उनके सामने रखेंगे, एक नई शुरुआत आपको करनी होगी। मैं ये कहूंगी कि जो पुराना है उस सबको दफन करना पड़ेगा, उस सबको हटाना पड़ेगा अपनी लाइफ से, आपको उसकी कोई चर्चा नहीं करनी पड़ेगी, उसके लिए माफी भी आपको मांगनी पड़ेगी। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रहा है आपको उनके सामने दिखाना होगा कि मुझे बहुत ज्यादा इस बात का दुख है कि मैंने ये ऐसा कहा, मैंने ऐसा एक्शन लिया, तो वो कहीं ना कहीं आपकी उनकी चुप्पी को छोड़ेगा और कहीं ना कहीं वो फिर से एक बार आपसे बात करेंगे, और एक नई, सॉरी, नई शुरुआत करते हुए आप मुझे यहाँ पर नजर आएंगे कि एक न्यू बिगनिंग आप देखेंगे कि ठीक है, फिर से हम एक मौका देते हैं अपने रिश्ते को, इस तरह फिर से एक नई शुरुआत होगी, डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है। और साइलेंस कार्ड भी यहाँ दिखा रहा है कि अब वो थोड़ा सा अवेयर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को बहुत जल्दी शेयर नहीं करने वाले हैं आपसे, बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट नहीं फील करना चाहते हैं, थोड़ा टाइम लेंगे वो आपके साथ एडजस्ट होने में। तो अगस्त मंथ थोड़ा सा आपको अपने रिश्ते पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, और हील करने की ज़रूरत है, चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी। देखते हैं कन्या राशि आपके लिए क्या गाइडेंस कार्ड यहाँ पर आ रहे हैं। गाइडेंस कार्ड कन्या राशि के लिए जो उनकी लव लाइफ को बेहतर बना सके, रिकवरी, यस। एक एक कार्ड को मैं एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पर कि कोई भी जो चीजें आपने की है उसको रिकवर करना बहुत जरूरी है, सॉल्यूशन निकालने बहुत जरूरी है, आपको अपनी बात को ही ठीक करना बहुत जरूरी है। तो ये अगस्त मंथ मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है कि जो भी आपके बीच में गलतफहमी हुई है या जो भी झगड़ा हुआ है, जो भी डिस्टेंस आया है, उसको आप ठीक करने की पूरी तरह से कोशिश करने वाले हैं, और उसका डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिलेगा, वो रिकवर भी होगा, वो आपके हार्ट चक्र को भी हील करेगा, आपके रिश्ते को भी हील करेगा, और एक बेहतर गाइडेंस के साथ आप इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। एंड यूनिवर्स भी चाहता है, ये देखिए आप यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यस, ये कनेक्शन जो है आपका वो भगवान की भी मंशा इसमें है, तो वो जब भगवान की मंशा है तो डेफिनेटली वो फिर से ठीक होगा। कन्या राशि क्या गाइडेंस आपके लिए है लव लाइफ के लिए। यस, ये कार्ड भी मुझे यहाँ पर हमेशा एक ही मैसेज देता है कि सेल्फ लव भी जरूर करें, सेल्फ लव के साथ साथ अपनी जहाँ आपको दिखता है कि यार ये मेरी खुशी है, ये मेरी लाइफ की हैप्पीनेस है, तो उसको पाने की कोशिश भी पूरी करें। सेल्फ लव भी जरूरी है, तो उसके साथ अपनी खुशियों को त्यागना नहीं चाहिए कभी भी लाइफ में, अपनी खुशियों को पाने के लिए कोई भी एक्शन लेना जरूरी होता है। तो अगर आपको लगता है कि इस पार्टनर के साथ मेरी हैप्पीनेस जुड़ी हुई है, ये ही पार्टनर वो है जिसके साथ मैं अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपको इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, सिर्फ बैठकर इंतजार करना नहीं चाहिए।
कन्या राशि फेथ, यस, भगवान पे विश्वास रखिए। यहाँ पर क्रिस्टल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और अगेन ये यूनिवर्स एनर्जी है जो यहाँ पर भी थी एमेथिस्ट की, और यहाँ पर भी एमेथिस्ट एनर्जी है। आप एमेथिस्ट क्रिस्टल भी पहन सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। और यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी भी मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली दिख रही है कि आप भगवान पे विश्वास रखिए, डेफिनेटली आपके काम होंगे, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे अगस्त मंथ में और चीजें ठीक हो जाएगी। अगर आप क्रिस्टल्स को यूज करते हैं तो एमेथिस्ट क्रिस्टल को डेफिनेटली इस महीने अपने पास रखें, अपने जहां भी आप बैठते हैं वहां पर टेबल पे भी आप रख सकते हैं इसको, जिससे कि उसकी एनर्जी से आपका माइंड बहुत ठीक रहेगा, क्लैरिटी आएगी लाइफ में, चीजें बैलेंस होने लगेगी और आपको सही गाइडेंस मिलेगी। तो विश्वास रखिए, डेफिनेटली आपका काम होगा। कन्या राशि की लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं? मिरेकल एंड इनसिक्योरिटी, ओके। मिरेकल कार्ड यहाँ दिखाता है कि डेफिनेटली जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो कुछ तो फल मिलेगा, कुछ तो ऐसा होगा जो आपको खुशियां देगा, कुछ तो ऐसा होगा जो लाइफ में चेंजेस लेकर आएगा। तो डेफिनेटली आप वेट करिए, सक्सेस आपको 100% मिलेगी, बस थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बट चीजें सब ठीक होगी। इनसिक्योरिटी कार्ड ये कहता है कि बिल्कुल भी अपने ऊपर अविश्वास ना करें, मतलब कि डाउट ना करें किसी भी तरह का कि होगा कि नहीं होगा, मेरे दिल को वो अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा, या एक हार्ट चक्र उसका ब्लॉक है, मतलब मेरे लिए उसके पास कोई इमोशंस बचे हैं कि नहीं बचे हैं, तो वो इनसिक्योरिटी आपके मन में नहीं आनी चाहिए। जब कोई चीज हमें शिद्दत से चाहिए होती है तो मिलेगी या नहीं मिलेगी ये नहीं सोचना है, आपको अपना काम करना है, आपको अपना 100% देना है, आपको उस काम के लिए एक्शन लेना है, मेहनत करनी है और दिल से कोशिश करनी है कि वो चीज़ आपको मिल जाए, और आप देखेंगे कि भगवान वो दिला ही देता है कैसे भी करके। तो कोशिश करते रहें, 100% आपका काम होगा और मिरेकल्स होंगे, आपका विश्वास जीतेगा और आप बहुत सक्सेस पाएंगे। आपकी लव लाइफ में आपकी लाइफ बहुत बेहतर बनेगी। तो कन्या राशि, ये थी आपकी रीडिंग अगस्त मंथ के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर कोई ना कोई गाइडेंस मिली होगी, और अगर मिली है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो के मैसेज आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।